न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो जाएगी। सितंबर में ये टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है, लेकिन ये सीरीज एक टेस्ट मैच की वजह से खास रहने वाली है। दरअसल ये टेस्ट मैच 6 दिन का खेला जाने वाला है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच 18 सितंबर से होने वाले टेस्ट मैच को 6 दिन के लिए रखा गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या पहले भी 6 दिन के टेस्ट मैच हुए हैं या फिर नहीं, और अगर हुए हैं तो वो कब हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच एक दौरा खेला जाने वाला है, जिसमें न्यूजीलैंड श्रीलंका जाएगी और वहां पर 2 टेस्ट मैचों की ये श्रृंखला होने वाली है, जिसमें सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका से 18 सितंबर को पहला टेस्ट खेलेगी। अब यही टेस्ट को 6 दिनों के लिए रखा गया है, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 2 टेस्ट मैचेस यहां पर होने हैं। अब 6 दिन के लिए ये टेस्ट मैच क्यों रखा गया है, दरअसल न्यूजीलैंड जहां पर श्रीलंका में ये दौरा करने जा रही है, तो वहां पर श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। अभी फिलहाल रानिल विक्रमसिंघे हैं राष्ट्रपति श्रीलंका के, और उनका चुनाव के चलते एक दिन का यहां पर रेस्ट डे रखा जाएगा। दरअसल ये मैच 18 तारीख को शुरू होगा, 18, 19 और 20, ये 3 दिन तो मैच चलेगा बिना रुके। इसके बाद 21 तारीख को वहां पर चुनाव है और 22, 23 तारीख को फिर 4th और 5वें दिन का खेल खेला जाएगा। तो इस तरीके से 6 दिन का ये टेस्ट मैच एक टेक्निकल तौर पर अगर देखा जाए तो खेला जाने वाला है। अब इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 6 दिन के टेस्ट मैच पहले भी खेले जा चुके हैं। साल 2001 में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच जो दौरा हुआ था, वहां पर एक टेस्ट मैच सरकारी अवकाश के चलते 6 दिन खेला गया। दरअसल वहां पर एक टेस्ट मैच के बीच में श्रीलंका के कैलेंडर अनुसार सरकारी अवकाश पड़ रहा था, और जिस वजह से उस एक अवकाश वाले दिन रेस्ट डे रखा गया और 5 दिन वहां पर मुकाबला भी चला। इसके अलावा जो लेटेस्ट में अभी हुआ है वो 2008 में हुआ है। 2008 में जो टेस्ट मैच खेला गया था श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच, वो संसदीय इलेक्शन की वजह से वहां पर एक दिन का रेस्ट डे रखा गया था। तो इस तरीके से ये 2 टेस्ट मैच 6-6 दिन खेले जा चुके हैं। और आपको बता दें कि इंग्लैंड में अमूमन हम देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर टेस्ट मैचों का क्रेज़ होता है, लेकिन इंग्लैंड से ही ये प्रथा शुरू हुई 6 दिन के टेस्ट मैच की। इंग्लैंड में अमूमन हम देखते थे कि टेस्ट मैच 6 दिन के हुआ करते थे, जहां पर अगर संडे बीच में पड़ता है किसी टेस्ट मैच के तो उसको रेस्ट डे के तौर पर रखा जाता था, और बाकी अदर जितने भी दिन होते थे उनमें 5 दिन मिलाकर आपको मुकाबला कराना होता था। इस खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।